इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का ये पांचवा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी का ये भाग नंबर 3, जिसमें पढ़ेंगे पर्वतीय वन, पर्वत क्षेत्र में कौन कौन वन होता है, जंगल होता है, कौन कौन पेड़ पौधा और वनस्पति होते हैं उसके बारे में। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देती है। जो पर्वत वाला इलाका है वहां पर तापमान में तो थोड़ा कमी होता ही है, लेकिन उसके साथ ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति है उसमें भी अंतर दिखाई देता है। कभी कभी आप पहाड़ पे चढ़ोगे तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने लगते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आपको बाथरूम ज्यादा लगने लगेगा, देखो कभी कभी नाखून ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कभी कभी मुंह पे पानी मारना पड़ता है, और जब हवा में जाओगे ऊपर, जब हवा शरीर को छूते हुए जब बाहर से निकलेगी उसको बोलते हैं वायु स्नान। जब वायु स्नान आप लेकर निकलोगे ना तो जिंदगी और समय एकदम प्रफुल्लित दिखने लगेगा। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। टुंड्रा मतलब छोटा सा, टुंड्रा मतलब हो जाएगा बौना, बौना जैसा, उतना भी बौना नहीं, लंबे पेड़ से कम। जैसे नीचे वाले क्षेत्र में पेड़ बड़ा बड़ा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे पेड़ छोटा छोटा होते जाएगा, तो इस तरह टुंड्रा सिस्टम चलता है। जो मौसम के साथ हर जगह पर मौसम अलग अलग होता है, पहाड़ के हर भाग में जाओगे तो कहीं गर्मी रहेगा, कहीं ठंडी रहेगा, कहीं नॉर्मल चीज रहेगा, नॉर्मल वातावरण रहता है। जब आप निचले एरिया में जाओगे तो निचले एरिया में आपको तीनों मिलेंगे, लेकिन मध्य में बीच में इधर उधर जाओगे तो आपको जगह के अनुसार परिवर्तन होते रहता है मौसम में। मौसम नहीं बोलेंगे, पहाड़ की गर्मी जहां रहेगी वहां गर्मी लगेगी, पहाड़ जहां ठंडा रहता है वहां ठंडा लगेगा, पहाड़ का टेम्परेचर जहां कम रहता है नॉर्मल रहता है वहां पर सब समान रहेगा, कहीं ना बढ़ा ना ही कभी घटा। अभी ये देखो पर्वतीय वन, नीचे का बड़ा है, ऊपर का बड़ा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, देखो जो सबसे ऊपर जा रहा है ये छोटा होते जा रहा है, इसी को टुंड्रा सिस्टम बोलते हैं। यहां पर देखते हैं 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिसमें आपको ऐसा ही वृक्ष देखने को मिलेगा जो चित्र में भी देख रहे हैं। उसके बाद एक नुखीला होता है, और नुखीला के बाद नीचे चौड़ा होता रहता है और खत्म हो जाता है, क्योंकि बर्फ जब ऊपर गिरेगा नीचे वाले पत्ते पर, नीचे वाले पत्ते पर, नीचे वाले पत्ते पर गिरते गिरते खत्म हो जाता है। इनमें चौड़ी पत्तियां होती है, पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता होती है। चौड़ी पत्तियां होती है और चेस्टनट जैसे वृक्ष होते हैं, चेस्टनट ऊपर से नुखीला और नीचे चौड़ा होते हुए खत्म। लॉलीपॉप भी एक पहले आता था इस तरह चेस्टनट जैसा। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच वहां पर होते हैं शंकुधारी वृक्ष। क्या होते हैं? शंकुधारी। वहां का टेम्परेचर थोड़ा और कम होता है, तो शंकुधारी वृक्ष जिसका नाम है चीर, जिसको बोलते हैं पाइन वृक्ष, देवदार, सिल्वर फर, एस्प्रोस, सीडर आदि पाए जाते हैं ऊपर में। और ये वन प्रायः हिमालय के दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तर उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। ये हिमालय के दक्षिण में हमीलों की तरफ आता है, और उत्तर में और पूरब में, उत्तर में चले जाओ भारत के पूरब में, उधर भी ये पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रातः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो पाए जाते हैं, जहां टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस तक, 14 से 20 नहीं तो 10 से 20 के बीच में, तो वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास वहां पर उत्पन्न होता है। बहुत तगड़ा घास होता है, अच्छा एकदम, खा उसको खा भी सकते हो, चाहे घास खाकर में जिंदा नहीं रहा क्या, महाराणा प्रताप वो घास खाकर कितने दिन तक जिंदा रहे, लेकिन अकबर से हारे नहीं थे वो। प्रायः 3600 मतलब 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं। देखो पहले शीतोष्ण
कटिबंधीय वन था, लेकिन अब अल्पाइन वनस्पति ले लेंगे। अल्पाइन कहाँ होते हैं? जहां पर टेम्परेचर 0 से 7 डिग्री 10 डिग्री के करीब में आता है, कभी कभी माइनस भी चला जाता है, तो वैसे वृक्ष वहां पर होते हैं 3600 मीटर के ऊपर। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, अतः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद से ये झाड़ी पहले था, अब झाड़ी से अल्पाइन घास के रूप में ये मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं। नीचे वृक्ष और वही वृक्ष ऊपर जाकर घास बन जाता है। इनका उपयोग गुज्जर तथा कबक्कर वाला, जैसे यहां से देखो आप, इनका उपयोग गुज्जर गुज्जर क्या होता है बताते हैं। गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कर जातियों, ये जातियों का नाम है गुज्जर और बकरवाल। गुज्जर लोग क्या करते हैं, वहां पे घूमते रहते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं। अब बकरवाल भेड़ बकरी भैंसा गधा चराने वाले को बोलते हैं। वे घुमक्कड़ जातियां द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है, पशु को खिलाने के लिए ऐसे पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, घासों का इस्तेमाल किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में, जो सबसे ज्यादा ऊंचा जाता है, बहुत ऊपर होता है, तो उस भागों में मॉस मॉस जिसको लीचन मॉस लीचन घास टंड्रा वनस्पति का एक भाग है। देखो टंड्रा वनस्पति तो होता है पहाड़ पे, जिसका दो ही घास होता है वहां पे, मॉस घास और लीचन घास, यही दो प्रकार के भाग उधर मतलब घास होते हैं। और टंड्रा भी वनस्पति में आता है। टंड्रा अगर हम नॉर्मल से उसको हाथ में पीस कर अगर हम किसी भी घाव पर लगाते हैं ना, घाव तुरंत खत्म, समझ लो कि कीड़ा काट लिया, जलन हो रहा है। वो घास को लो, पीसो, रस निकालो और रस सहित उसको छाप लो, सारा खत्म। लेकिन टंड्रा मॉस और लीचन घास हिंदुस्तान के बर्फीले एरिया को छोड़कर बाकी कहीं नहीं होता है, इसलिए वहां पर जाकर लाना, समझो कि उधर जाने से पहले ही आदमी खत्म हो जाएगा, इसलिए घर में जो दवाई है वही लगा लो, और नहीं तो मिट्टी लगाओ, नहीं तो घास लगा लो। इन वनों में, ये जो जंगल है, वहां पर कश्मीरी मृग मतलब कश्मीर में रहने वाले हिरण और चितरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा जिसके बहुत बड़ा बड़ा सिंह होता है, बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, गिलहरी अपने तरफ भी होती है, उधर भी होती है, तो गिलहरी, रीछ, और फिर वहां पर आईबैक्स भी होता है, आईबैक्स, कहीं कहीं लाल पंडा घने बालों वाला भेड़, लाल पंडा भी और घने बालों वाला भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। कहाँ पे? उतना ऊपर 3600 मीटर ऊपर, उधर जो जंगल होता है, जंगल में ये सब भी पाए जाते हैं, जिसमें आप आ जाएगा हिरन आ जाएगा, जंगली भेड़ आ जाएगा, उसके वजह से खरगोश, वहां पर तिब्बत का जो है, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, गोरिल्ला भी मिल जाते हैं, उसके वजह से आईबॉक्स, कहीं कहीं लाल पंडा, घने बालों वाला भेड़ भी मिल जाते हैं, और ये सब बहुत खतरनाक होते हैं। और सबसे खतरनाक तो भेड़िया होता है, ग्रुप में चलता है, तो भेड़ियों से बचने के लिए तो आपको अलग से इम्पायरमेंट लेकर चलना पड़ता है, हथियार वगैरह लेकर चलना पड़ता है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मैंग्रोव वन, जिसमें हम वैसे जंगलों के बारे में पढ़ेंगे जो तटीय और डेल्टा के पास होता है। कहां पे? तट के पास, नहीं तो डेल्टा के पास। यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा चक्रवात आता है, तो चक्रवात वाले एरिया में होते हैं, जहां पर डेल्टा हो, तटीय मतलब पानी से घिरा हुआ हो, कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। देखो ये किस तरह, ये है, यहाँ पर पेड़ है और इसकी जो जड़ें हैं, थोड़ा से लता इसको बोलते हैं, लताएं, ये पानी में डूबा हुआ है, ये जड़ को तो पकड़ा हुआ है,
लेकिन एनर्जी कहाँ से लेता है? पानी में से लेता है। तो सब चीज पानी में से सोख कर अपने आप को बढ़ा लेता है। इसी को बोलते हैं मैंग्रोव ट्री। मैंग्रोव ट्री घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ पानी में डूबी रहती है। देख रहे हो जैसे उसकी जड़ पानी में डूबी हुई है, वैसे ही गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलता है। कहाँ पे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां, यमुना नदी भी है, वैसे डेल्टा जहां भाग बनता है उन जगहों पर इन वनस्पतियों का मिलना तय है। गंगा ब्रह्मपुत्र जहां मिलते हैं आकर, वहां पे सुंदरवन डेल्टा जो है उसको सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त की होती है। वहां पर मजबूत से मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे नारियल, तार, केवड़ा, केवड़ा के बाद हो जाएगा वैंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। जैसे नारियल तो समझ गए, ठीक है, नारियल का वृक्ष सब कोई देखा होगा, क्योंकि वो जहां वही होते हैं जहां पर पानी ज्यादा हो। उसके बाद से तार के वृक्ष जिसको तरकुल बोलते हैं, जिसमें से तारी मिलता है, खाजा मिलता है, और है कयोरा। कयोरा वृक्ष होता है, एक तरह से आप खजूर भी समझ सकते हो उसको, कयोरा। और वायंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। जैसे ये दोनों सब वृक्ष है, ये सब उसमें मिलते हैं, जिसकी लताएं आपको जमीन के नीचे समुद्र में मिलेगा, नहीं तो पानी डेल्टा में मिलेगा। तो ये मीठे पानी का डेल्टा है, ये खारा पानी नहीं होता है, ये सब मतलब पीने लायक पानी है, इसको फिल्टर करके आप पी सकते हो। वैसे तो डेल्टा का पानी थोड़ा गंदा ही होता है, क्योंकि सारे कचरे को लेकर डेल्टा में फेंका जाता है ना, और फिर डेल्टा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए, खत्म हो जाए, गायब हो जाए, क्या मनुष्य इन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधताओं क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन प्राणी, जंगलों के प्राणी के बारे में अब इसमें हम देखेंगे, इसमें पढ़े कि अगले पार्ट में चले, अगले पार्ट में चलते हैं, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत नहीं भी हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।